हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपके लिए आज जो वीडियो रहेगी वो ब्रीडिंग के ऊपर है, लव बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, और कुछ जो है इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करूंगा आप लोग को ब्रीडिंग के रिगार्डिंग, ताकि आपको भी इजी हो जाए अगर आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक कराऊंगा अपने 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक बॉक्स की, क्योंकि सबको वन बाय वन चेक कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको सारी प्रोग्रेस चेक कराऊंगा किसमें क्या चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए सबसे आपको मेन जो चीज है वो आपको उसको अच्छा सा केज देना है, ताकि वो फ्लाइट कर सके। नॉर्मली वो छोटे केज में ब्रीड कर लेता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इतना स्पेस तो उसको दीजिए आपके बर्ड उसमें थोड़ा सा फ्लाई कर सके। और उस केज को ऐसी जगह पर रखें जहां पर प्राइवेसी एकदम से अच्छी प्राइवेसी हो, मींस के उनको बार बार कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, उनके सामने कोई ना आ रहा हो। मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का बताऊंगा कि मैंने अपना 1 साल जो है लव बर्ड्स के ऊपर बर्बाद किया था, मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं मिली थी, और उस टाइम पे समझाने वाला भी कोई नहीं होता था। बट मैंने क्या किया कि खुद से मैंने जब बर्ड रखा, खुद से सारे ही चीज़ें मैंने देखी समझी उसको, और उसके बाद मुझे जो समझ में आया लव बर्ड्स के लिए कि आप जो है लव बर्ड से 15 से 20 दिन के अंदर भी ब्रीड ले सकते हैं, अगर आप नया पेयर सेट पेयर लेके आते हैं। वैसे तो कॉमनली लोग बोलते हैं कि लव बर्ड जो है 2 महीना 3 महीना भी सेट होने में लेते हैं, बट आपके पास लव बर्ड 15 से 20 दिन में भी ब्रीड कर जाएगा। बट आप 2-3 स्टेप फॉलो कर लें, उसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगी लव बर्ड को ब्रीड कराने में। सबसे पहला आप उसको केज जो दे रहे हैं वो थोड़ा सा स्पेस अच्छा दीजिए। अब जैसे मेरा एक केज का जो साइज है, मैंने लास्ट वीडियो बताया भी है, 2.5 फीट इसकी लेंथ है, डेप्थ इसकी गहराई जो है वो 2 फीट है, और हाइट इसकी करीब 21 से 22 इंच है। तो लवबर्ड जो है वो हाइट में उड़ना इतना पसंद नहीं करता है, इस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल उसमें ज़्यादा उड़ता है। तो आपको जो है फोकस करना है कि बर्ड को स्पेस अच्छा मिले। उसके बाद अगर आप उसको मटकी दे रहे हैं, मटकी में जैसे कि बजीज में लगी हुई है, या आप इस तरीके की मटकी, मैं आपको दिखाता हूँ, इस शेप में मटकी अगर आप देते हैं लव बर्ड को, ये अच्छा खासा बड़ा साइज है। इस साइज में कोकाटील ने भी ब्रीड करी है। आप बजीज वाला साइज की मटकी ना दीजिए, अच्छा खासा बड़ा साइज है इसमें। और लव बर्ड के लिए क्यों बड़ी मटकी रहती है उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये लव बर्ड जो होते हैं वो नेस्टिंग खूब अच्छी तरीके से करते हैं, पूरे नेस्ट को कवर कर लेते हैं ताकि उनको बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे, और जब वो नेस्ट को एकदम प्रॉपर तरीके से कवर कर लेंगे उसके बाद ही उसे ब्रीड करेंगे। आप सोचे कि हमने इसको मटकी दे दी है और थोड़ी बहुत आपने नेस्टिंग मटेरियल दे दिया, उसने जाके अंदर लगाया, और आप बार बार उसको डेली चेक कर रहे हैं कि अंडा दिया कि नहीं दिया, तो ऐसे में बर्ड आपका डिस्टर्ब होता है। बट आपको ध्यान देना है कि अगर आपने उसमें हांडी लगा दी, आप आधी नेस्टिंग खुद से करके दीजिए उनको, और आधी नेस्टिंग जो है आप केज फ्लोर पे, देखिए नया पेयर ये मैंने सेट किया है और केज फ्लोर में मैंने नेस्टिंग डाल रखी है, तो इससे ये होगा कि उसमें नेस्टिंग तो हो रखी है ऑलरेडी, अपने साथ वो जब लेके जाएगी खुद से नेस्टिंग करेगी तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। तो 15 से 20 दिन इन लोग के लिए बहुत होते हैं नए पेयर को सेट होने के लिए, अगर आपने प्राइवेसी दी। और मटकी या बॉक्स आप अंदर बाहर दोनों से लगा सकते हैं। देखिए इसमें बॉक्स जो है अंदर से लगा है, इसका स्पेस बड़ा था, 3x2 का ये केज है, तो मैंने अंदर से लगा दिया, उसके बाद भी अच्छा स्पेस है। और ये वाला 2.5 फुट का केज है, तो इसको मैंने बाहर से दिया, तो एकदम इजीली ये लोग सेट होते हैं, ब्रीड करते हैं बहुत ही जल्दी। और आपको जो है ब्रीडिंग में अपने देखना है बर्ड्स को, कि अभी जैसे मौसम बदल रहा है, ठंडी रात में खूब ज़्यादा हो जा रही है, तो रात के टाइम अपनी बर्ड से बिल्कुल हवा नहीं पड़ना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो लोग शेयर भी करते हैं कि बर्ड जो है थोड़ा सा पर फुला के बैठ रहे हैं, तो जिसकी वजह से बर्ड की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, और वो हल्की फुल्का उनके अंदर फीवर हो जाता है, हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं दिखते हैं, और जब भी बैठे रहेंगे तो पर फुला के बैठे रहेंगे। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है दिन में। तो देखिए अभी मैंने खिड़की खोल रखी है, दिन में जो है हल्का फुल्का वेंटिलेशन बना रहेगा, अगर नॉर्मल हल्की सी हवा भी चलेगी तब भी उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन रात के टाइम आपको हवा से बचाना है। जिस साइड से हवा चल रही है उस टाइम तो बिल्कुल कवर करना है आपको, और जिस साइड से नहीं चल रही है हवा उस साइड से हल्का फुल्का आप खोल भी सकते हैं, ताकि वेंटिलेशन उसका बना रहे। और उसके बाद चलिए, अब थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने इतना समझाना था समझा दिया आपको, और कुछ आपको प्रोग्रेस भी चेक कराते हैं कि क्या प्रोग्रेस आई हुई है। मैं आपको पेयर दिखा देता हूँ पहले। तो ये दोस्तों एकदम बढ़िया क्वालिटी में परफेक्ट मार्किंग का पेयर है, पार्मू अपलाइन की फीमेल है और वॉयलेट यूवेम अपलाइन का ये मेल है, और इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको चेक कराते हैं। ये आपको इसमें दिख रहे होंगे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं इसमें, और काफी तरीके से इसको पाल रही है,
और ये थोड़े से बड़े होंगे तो इनका कलर और मार्किंग्स वगैरह दिखेंगी, तो अभी तो ये छोटे हैं, बाकी इसको बॉक्स को बंद कर देते हैं। और सॉफ्ट फूड वगैरह भी आपको ध्यान देना है अपनी बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते टाइम, सुबह और शाम के टाइम दो टाइम जरूर सॉफ्ट फूड दीजिए ताकि बर्ड्स आपकी हेल्दी रहे। और दूसरा पेयर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो है पार्वलो अपलाइन वॉयलेट डबल फैक्टर की फीमेल है और डबल फैक्टर का ही मेल है वॉयलेट पार्वलो यूइंग अपलाइन का। हेड क्वालिटी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, मैंगो हेड में फीमेल भी है मेल भी है। और दोस्तों इसमें आपको दिख रहे होंगे दो बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, एक पार्वलो अपलाइन है एक वॉयलेट अपलाइन है, काफ़ी बड़े हो गए हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है इनका। अब ये बाहर आ जाते हैं तो ये देख सकते हैं पेयर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है मेरा ये पेयर। और बाकी इसके बाद मैं दिखाता हूँ, ये दोस्तों एक बच्चा बाहर भी आ गया, आप देख सकते हैं वॉयलेट काफी जबरदस्त आया है ये, अभी फर्स्ट टाइम शायद बाहर निकला है इसलिए डर रहा है थोड़ा। बाकी मार्किंग वगैरह बहुत अच्छी दिख रही है मुझे इस बच्चे की, वापस घुस गया अंदर। इसकी भी इसी तरीके से रख देते हैं वापस सॉफ्ट फूड। और बाकी उसके बाद ये तीसरा नंबर बॉक्स है, इसमें जो मेरा पेयर है वो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें वॉयलेट यूइंग ऑफलाइन का मेल है ये, बॉक्स में घुस गया अभी बाहर फिर से निकलेंगे। और ये वॉयलेट ऑफलाइन की फीमेल है बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की, ये पूरा पेयर है और इसकी भी ब्रीड आई हुई है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। नेस्ट को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है इसने, ये आपको दिख रहे होंगे इसमें तीन से चार बच्चे हैं। ये दोस्तों वही पेयर है जिसके एग्स फर्स्ट क्लच में खराब हो गए थे, पांच अंडे थे पांचों डेड इन शेल हो गए थे, बट सेकंड क्लच में माशाल्लाह से इसने जो है ब्रीड कर दी है। ये पूरा पेयर है क्लियर हेड में बिल्कुल, और मार्किंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है इनकी, वीडियो पता नहीं आपको दिख रहा है सही से कि नहीं। और उसके बाद फिर आपको आगे लेके चलते हैं बॉक्स नंबर चार की तरफ, जिसमें पार्वलो ऑफलाइन की फीमेल है वॉयलेट सिंगल फैक्टर में और वॉयलेट यूविंग अपलाइन का मेल है। इसके भी आपको चेक कराते हैं प्रोग्रेस, इसके सारे ही बच्चे दोस्तों बड़े हो गए हैं बाहर आ गए हैं सारे, ये देखिए सब उड़ रहे हैं तेजी से। तो इसमें दो पार्वलो यूविंग अपलाइन आए हैं और एक वॉयलेट अपलाइन आया है, इनके ही बच्चों की क्वालिटी वगैरह काफी शानदार आई है, ये आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों इसी पेयर के लास्ट सीजन ये बच्चे बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के आए थे और बच्चों का साइज़ वगैरह भी इसका काफ़ी अच्छा रहता है, और जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो बड़े होने के बाद भी साइज़ काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है। और आप एक बार पार्वलो ऑफलाइन यूविंग का वॉयलेट देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, आपको देखने में ये मॉप लग रहा होगा बट ये वॉयलेट है, ये बैठे हैं बच्चे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये वॉयलेट कलर में है कि फीमेल सामने से हट जाए तो दिखे। बाकी क्वालिटी बहुत शानदार है, आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और फिर उसके बाद मेरा एक ये पेयर है बॉक्स नंबर पांच में, जिसमें मैं भी आपको चेक कराता हूँ, पेल फेलो का ये पेयर है, इसमें स्प्लिट टू विजुअल लगा है, ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और इसमें ग्रीन यूविंग ऑफलाइन विजुअल पेल फेलो की स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। इसके भी आपको बच्चे दिखाते हैं, तो वो दोस्तों एक ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो है और एक ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो है, ये दो बच्चे इसमें निकले हैं देख सकते हैं, दोनों बाहर आ गए हैं, थोड़ी सी प्लैकिंग वगैरह की थी इसने और इसने माशाल्लाह से फिर से एग ले कर दिए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे दो अंडे इसने फिर से रख दिए हैं, दूसरे क्लच की भी स्टार्टिंग दोस्तों हो गई है इसमें, और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको भी, बंद कर देते हैं बॉक्स को। अब इसके बाद जो बॉक्स रहेगा सॉफ्ट फूड वगैरह लगा देते हैं वापस इसमें, इसके बाद जो बॉक्स है बॉक्स नंबर छः, और इन सब की प्रोग्रेस आपको नहीं चेक कराई थी पहले, एग वगैरह रखे थे तो मैंने बोला था कि इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी अभी चिक्स निकला है तो इसलिए इनको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह पेयर बैठा है पूरा अंदर, ये वॉयलेट पार्वलो अपलाइन की फीमेल है वॉयलेट यूविंग अपलाइन का मेल है,
और माशाल्लाह से इसमें भी तीन बच्चे ये निकाली है। हेल्थ वगैरह ठीक दिख रही है, अच्छे से फीड भी कराई है फीमेल, और देखते हैं ये कलर कैसे निकलती है। आप थोड़े से अभी छोटे हैं, ये थोड़ा धीरे धीरे बड़े होंगे तो कलर समझ में आएगा। बाकी आपको रेगुलर बेसिस पे ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक कराते रहेंगे। तो अभी आपको हमने 6 बॉक्सेस चेक कराए हैं और 6 में आपको 100% रिजल्ट देखने को मिला। जो मेरे हायर म्यूटेशन के लवबर्ड हैं सबका प्रोग्रेस देखने को मिला, और इसमें जो है फीमेल अंदर हो गई है, क्योंकि लास्ट अभी आपको दिखाया भी था इसमें ऑफलाइन की फीमेल है डैक ऑफलाइन की, और मेल जो है एल्बिनो का लगाया है। तो फीमेल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बॉक्स में वो बैठना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही इसका रिजल्ट वगैरह आएगा तो आप लोग को ज़रूर चेक कराएंगे। उसके बाद मेरा ये पेयर है, ये भी पेल फेलो का पेयर है, इसमें एक्वा ऑफलाइन की फीमेल है स्प्लिट पेल फेलो, और ग्रीन पेल फेलो फिशर का मेल है स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू। इसकी भी ब्रीड आई है, मैं दिखाता हूँ, बच्चे सारे बाहर निकलेंगे इसके भी। तो ये बच्चे हैं दोस्तों, तो मैं कोशिश करता हूँ उधर से दिखाने की। ये आपको दिख रहा होगा, एक पार्ब्लू पेल फेलो है और एक वॉयलेट पेल फेलो आया है इसमें, ये आपको दिख रहा होगा सामने। ये एक बच्चा बहुत ही शानदार क्वालिटी का बहुत खूबसूरत आया है। अब ये जो है सारे ही फिशर आए हैं। अब आप लोग अगर जो नॉलेज रखते हैं वो आप ये बोलोगे कि भाई आपके तीनों बच्चे अगर फिशर आए हैं तो मेल आपका स्प्लिट ऑफलाइन कैसे हुआ? तो स्प्लिट ऑफलाइन इसलिए हुआ क्योंकि इस मेल में पिछले सीजन में एक फीमेल लगी थी ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की, तो उसमें जो बच्चा निकला था मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ। ये जो आपको एक एक्वा ऑफलाइन का दिख रहा है मेल निकला है, ये तो ये उसी पेयर का निकला, उसी मेल का निकला हुआ है। तो अगर मेल स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होता तो वो एक भी ऑफलाइन बच्चा नहीं निकालता, बट लास्ट सीजन में उसने एक बच्चा मुझे ऑफलाइन दिया था तो इसलिए स्प्लिट ऑफलाइन कंफर्म है। और बाकी ये बच्चे नॉर्मल निकले हैं, इंशाल्लाह हो सकता है अगले क्लच में ये लोग ऑफलाइन वगैरह निकालते हैं। बाकी क्वालिटी आपको बच्चों की कैसी लगी पेल फेलो की आप ज़रूर बताइएगा। और ये भी आप देख सकते हैं ग्रीन पेल फेलो भी जो आया है, बहुत अच्छा इसका हेड आया है, साइज़ वगैरह बच्चों का काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी नेस्ट आउट ही हुए हैं और इनका साइज़ ऑलमोस्ट एडल्ट बर्ड की तरह है। तो ये भी दोस्तों 8 नंबर बॉक्स की प्रोग्रेस हो गई। उसके बाद जो आखिरी पेयर है वो है ये ब्लू फिशर स्प्लिट पेल फेलो फीमेल और एक्वा ऑफलाइन का मेल, एक्वा पार्ब्लू ऑफलाइन का स्प्लिट पेल फेलो का मेल। दोस्तों ये पेयर अपने आप से लग गया था इसलिए मैंने इसको तोड़ा नहीं, और मैंने सोचा कि एक आध पेयर फैलो अगर ये सीजन में दे देगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने पेयर लगा दिया। और ये इसकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी शायद 9 से 10 महीने का ये पेयर होगा। और फर्स्ट क्लच में इसी के एग मैंने आपको दिखाए थे जो तोड़ के अंडे में बच्चे निकला, वो कौन सा रेड आई था कौन सा ब्लैक आई, बाकी इसके दूसरे क्लच के आपको ये दिख रहे होंगे। फिर से इसने अंडे दिए हैं और चारों ही अंडे फर्टाइल हैं। आपको इनकी वाइटनेस देख के समझ में आ रहा होगा कि अंडे फर्टाइल हैं। अभी मैंने इसको अंडे उठा के चेक नहीं करता हूँ क्योंकि एंड टाइम पे एग का मूवमेंट आपको अपने हाथ से नहीं करना है, क्योंकि एग जो रहता है पेयर भी शुरुआती दौर में जब तक शुरुआत होती है एग का तो वो एग को मूव करते हैं। बाकी उसके बाद जब अंडे में से बच्चा निकलने का टाइम आता है, मीन्स कि 18 से 19 दिन जब एग के हो जाते हैं तो वो एग को मूव नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चा फिर उसको अपना अंडा जो है राउंड शेप में होके पूरा क्रैक करता है। तो आप जब उठा के चेक करेंगे और उसकी मूवमेंट आप चेंज कर देंगे तो उसी में जो अंडे आखिरी टाइम पे डेड इन शेल हो जाते हैं, एक तरफ तोड़ के अंडे को बाहर थोड़ा सा तोड़ लिया फिर निकल नहीं पाते, तो वही प्रॉब्लम होती है। तो अभी लास्ट में मैं अंडे को उठा के चेक नहीं करता हूँ। अब इसकी जैसे ही बच्चे इस बार इंशाल्लाह निकलेंगे मुझे उम्मीद है तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी 1 से लेकर 9 तक की प्रोग्रेस आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि लवबर्ड जो रहते हैं वो नॉर्मली एक सीज़न में कितनी बार ब्रीड करते हैं, जिस किसी भाई को पता हो वो कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर ज़रूर दे। और मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन मैं ज़रूर रखूँ, तो उससे मुझे मालूम पड़ेगा कितने लोगों को इसके बारे में लवबर्ड के बारे में नॉलेज है। तो अभी आज के दिन आपकी प्रोग्रेस दिखा दी है इसकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इनो बर्ड की प्रोग्रेस रहेगी, उसमें भी सारे में बच्चे वगैरह निकले हैं आप लोग को दिखाएंगे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप इसको ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ेदार ब्रीडिंग प्रोग्रेस के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।